अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। आपके स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान के ऊपर टच करके उसके बाद घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए ताकि आपको हमारी बनाई हुई नई नई वीडियो लगातार मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री होता है, आप इससे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अंदर आप लोगों को सब्सिडी क्यों नहीं मिल पाती या सब्सिडी कम क्यों मिलती है इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों सभी लोगों का ये क्वेश्चन होता है, आप में से बहुत से लोग हमसे पूछते भी हैं कि आपको सब्सिडी कम मिल रही है या सब्सिडी नहीं मिल पा रही, तो इसकी क्या वजह होती है, इसी टॉपिक पर हम आज इस वीडियो में बात करेंगे और आपको कुछ दिखाएंगे भी। दोस्तों देखिए, इस योजना के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कंडीशन है, कुछ टर्म्स हैं, अगर उन टर्म्स को आप पूरा नहीं करेंगे तो आपको जो यहाँ पर सब्सिडी मिलती है 2,67,000 तकरीबन, वो सब्सिडी मिलने में आपको कठिनाई हो सकती है, या तो आपको सब्सिडी कैंसिल हो जाएगी या फिर सब्सिडी आपको कम मिलेगी। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किस तरह से आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो दोस्तों आपको अपने फ़ोन के ऊपर ये गूगल ब्राउज़र ओपन कर लेना है या आप लैपटॉप या पीसी पर भी ओपन कर लीजिए। मैं यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री आवासीय योजना की वेबसाइट के ऊपर ले जाऊंगा और वहाँ पर जो इनकी टर्म्स और कंडीशंस, जो नियम और शर्तें जो दी गई हैं, वो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इसे आप बाद में अपने फ़ोन पर या कंप्यूटर पर खुद भी देखकर समझिएगा। अगर आप इन टर्म्स और कंडीशंस को पूरा नहीं करते तो आपको नुकसान होता है और आपको सब्सिडी क्यों नहीं मिल पाती उसका सारा जवाब आपके यहीं पर मिल जाएंगे। तो देखिए, पहले नंबर के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये पेज आ जाएगा, तो ये एक ऑफिशियल इनकी वेबसाइट है, तो इस तरह का ये पेज आ जाएगा और इसी पेज के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बताई हैं आपको, पहले भी बनाई हुई हैं। तो देखिए मैं इस, ये जो आपको ऊपर दिख रहा है ऑरेंज कलर की पट्टी, ये तीन लाइनों के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना है इस पेज पर, ठीक है। ये तीन लाइनों के ऊपर हमने यहाँ क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन होता है यहाँ पर सब्सिडी कैलकुलेटर, ठीक है। सब्सिडी कैलकुलेटर पर हमें यहाँ क्लिक करना है, जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर करना क्या है वो मैं आपको ये दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए, सब्सिडी कैलकुलेटर के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, यहाँ पर आप अपनी सब्सिडी कैलकुलेटर कर सकते हैं कि आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी। लेकिन आप सब्सिडी कैलकुलेट कैसे करेंगे वो आप खुद ही समझ सकते हैं, खुद ही यहाँ पर अपना अमाउंट डालकर। तो हम यहाँ पर तो सिर्फ बात कर रहे हैं कि क्यों आपको सब्सिडी कम मिलती है या सब्सिडी नहीं मिल पाती, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर क्लिक करना है सबसे पहले दूसरे नंबर के ऑप्शन पर। जब आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो देखिए इस तरह का एक पेज आएगा, आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, ये टर्म और कंडीशंस हैं। लेकिन यहाँ पर मेन जो है वो यहाँ का एक चार्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए मैंने फ़ोन पे खोला हुआ इसलिए पूरा चार्ट नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस पूरे चार्ट को देखने के लिए तीन लाइनों के ऊपर यहाँ क्लिक करेंगे और तीन लाइनों के ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे डेस्कटॉप साइट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए ये अब डेस्कटॉप साइट पर खुल गया है। तो यहाँ पर आपको देखिए पहले तो यहाँ इसकी पूरी टर्म और कंडीशंस, जो कंडीशंस है इस योजना के अंदर, वो आपको दिखाई जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है, आपको इसके अंदर अगर आपको लाभ लेना है या आपको सब्सिडी लेनी है पूरी 2,67,000 की, तो आपको ये जो भी कंडीशन है इनको पूरा करना पड़ेगा। जैसे कि आपका जो एनुअल इनकम है कैटेगरी की उस हिसाब यही होनी चाहिए, और आपका जो एरिया है प्लॉट का या फ्लैट का वो इतने एरिए में होना चाहिए, जो भी आपको एक कारपेट एरिया यहाँ पर दिया हुआ है देखिए, ठीक है। तो इस तरह की जो कंडीशंस हैं, और देखिए जो एलिजिबल लोन अमाउंट, जो लोन अमाउंट है इसके ऊपर भी आपको ध्यान ज़रूर रखना है कि लोन अमाउंट जो है, अगर आपको सिर्फ 6,00,000, अगर इस कैटेगरी में 6,00,000 आपके लिए बोला गया है, तो अगर आप 6,00,000 से ज़्यादा ले लेंगे तो भी आपको नुकसान हो सकता है। और जो दूसरी कैटेगरी में जो 9,00,000 का आपको लोन यहाँ पर दिख रहा है, उससे अगर आप ज़्यादा का लोन ले लेंगे तो भी उसके अंदर आपको यहाँ नुकसान हो सकता है आपकी सब्सिडी के ऊपर। एक और चीज़ खास जो ध्यान देने वाली बात है वो है टाइम। यहाँ पर 20 साल का मैक्सिमम टाइम आपको दिया जाता है अपना लोन पूरा करने के लिए, और उसी लोन के ऊपर आपको सब्सिडी मिलती है, ये आपको याद ही होगा या पता ही होगा। लेकिन अगर आप 20 साल के अलावा यहाँ अपनी सब्सिडी को 10 साल के लिए, अपने लोन को 10 साल के लिए अगर करते हैं, तो आपकी सब्सिडी लगभग आधी हो जाएगी, यानी कि आपको 2,00,000 की जगह आपको यहाँ पे सिर्फ 1,50,000 के आसपास ही यहाँ पर आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर आप अपना जो लोन का जो टेन्योर है, यानी कि चुकाने का जो टाइम है, अगर उसको आप कम करेंगे तो आपको आपकी सब्सिडी के अंदर नुकसान होगा, और ये आप सब्सिडी कैलकुलेटर के अंदर चेक कर सकते हैं। वहीं पर दूसरी बात, अब इधर देखिए दूसरा एक और आपको यहाँ ऑप्शन दिखेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करके भी एक और यहाँ पर आपको एक चार्ट मिलेगा, हम पहले यहाँ क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करने के बाद देखिए ये इस तरह का एक पेज आ जाएगा, यहाँ पर भी आपको देखिए एक चार्ट बताया गया है। इस चार्ट के अंदर भी आप पूरी अपनी जो इसकी टर्म और कंडीशन है उनको एक बार ध्यान से फिल कीजिए और देखिए उसको, कि उसके अंदर क्या क्या कंडीशंस और क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं, और उसके बाद ही
आप ये ध्यान रखिए कि आपको कितनी सब्सिडी मिल सकती है और कितनी नहीं। तो ये दो जो चार्ट है ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, ये गवर्नमेंट की तरफ से चार्ट है, ये एक तरह का इनका टर्म्स और कंडीशन जो एक नियम है। तो अगर आप नियमों का पूरी तरह से इनका अगर पालन करेंगे, यूज़ करेंगे इनको, तो आपको यहाँ पर पूरी सब्सिडी जो 2,67,000 की जो मिलती है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। और अगर आप इन टर्म्स को फॉलो नहीं करते या अपनी तरफ से इसको एडजस्ट करते हैं, तो आपको यहाँ पर सब्सिडी कम या कम भी हो सकती है और कैंसिल भी हो सकती है। तो दोस्तों यही कारण है कि आपको या बहुत सारे लोगों को इस योजना के अंदर या तो सब्सिडी कम मिलती है या सब्सिडी नहीं मिल रही। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों परिवार के साथ इसे शेयर कीजिए।